من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي

आपकी खिदमत में सिलसिलावार दुरुस्त पेश किए जा रहे हैं हमने गुज्त दरस में एक हदीस पेश की थी और उस हदीस के तल्ल से कुछ वजाहतें आपके सामने पेश की गई थी सबसे पहले उस हदीस को हम दोबारा सुनते हैं और फिर उसी मुनासिबत से कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे कि इंसान की नेकियां कैसे ज़ाय होती हैं उसके अमाल कैसे बर्बाद होते हैं और उन चीजों से हमको बचना भी है जिन चीजों के करने की वजह से हमारे नेकियां जाय हो जाती हैं बर्बाद होती हैं सही मुस्लिम की वो हदीस है जो हमने आपके सामने पेश की थी अबू अब फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद ने पूछा आपने सवाल किया अतदरु न मल मुफलिस जानते हो मुफलिस कौन है पाल तो हमने कहा कि हम मुफलिस उसको समझते हैं जिसके पास कोई रुपया पैसा नहीं है दुनिया के कोई चीजें उसके पास नहीं है कोई साजो सामान नहीं है गरीब आदमी है फकीर आदमी है भिकारी आदमी है मिस्किन तो हम उसको समझते हैं अल्लाह के प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया, मिन उम्मती यो मल व सियामिन व वक़ातन मेरी उम्मत का मुफ्लिस वो है कयामत के दिन वो आएगा उसकी नमाजें होंगी उसके पास रोजे होंगे और उसके पास जकत होगी यानी उसने नमाजें पढ़ी होंगी उसने रोजे रखे होंगे और उसने अपने मालों में से जकत दिया होगा। लेकिन वयाती कद शतम हाजा। उसने किसी को गाली दी होगी वह हाजा किसी पर उसने इल्जाम तराशी की होगी वह अकल माल और किसी का नाहक उसने माल खाया होगा वह सफा कदम हाजा और किसी का उसने नाह खून किया होगा वह जरा बहादा और किसी को उसने मारा होगा फयोता मिन हसनाती हादा मिन हसनाती यहां तक के उसकी नेकियां लेकर इसके ऊपर डाल दी जाएंगी तब भी अगर उसका हक अदा नहीं हो रहा होगा तो इसके गुनाह उसके सर पर लादे जाएंगे जिसने ये सारे काम किए होंगे और फिर उसके बाद नबी वसल्लम फरमाते हैं तुम्मा तूर हफिनार यहां तक के उसको औंदे मुंह घसीट कर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा इस हदीस से हमें यह मालूम होता है कि एक आदमी नमाजी भी होगा नमाजे भी उसने पढ़ी होंगी उसने रोजे भी रखे होंगे उसने अपने माल की जक़ात भी अदा की होगी सारी की सारी नेकियां उसके अंदर होंगी दीनदार होगा अल्लाह रसूल की तालीमात पर उसने अमल किया होगा लेकिन किसी पर उसने इल्जाम लगाया होगा किसी को गाली उसने दी होगी नाह खून किया होगा किसी का माल खाया होगा और किसी को मारा होगा तो जाहिर है ये तमाम बंदों के हकूक की पामाली में से आते हैं नेकियों को बर्बाद करने वाली चीजों में से हैं अल्लाह तबारक वाल सारी की सारी नेकियां उसकी निकाल करके जिसके साथ उसने ये मामला किया होगा उसको नेकियां दे दी जाएंगी और फिर भी अगर वो हुकूक रहते हैं तो इसके गुनाह निकाल कर अल्लाह तबारक वाले के हुक्म से उसके जिम्मे डाले जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि अब सारी नेकियां तेरी खत्म हो चुकी हैं क्योंकि दुनिया में तो बंदों के हकूक की पामाली किया करता था दुनिया में तो जुल्म किया करता था अब तेरे पास कोई ने किया नहीं है और उस आदमी को औंधे मुंह घसीटकर कर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा मोहतरम नाजरीन सोचें और गौर करें आज हमारे माशरे के अंदर ये तमाम तरह की बुराइयां पाई जाती हैं और सबसे पहली बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान की है वो ये है कद शतमहाजा कि इसने गाली किसी को दी होगी और हमारे माशरे के अंदर गाली दी जाती है गुज्ता दरस में हमने तमाम आपके सामने पेश की हैं लेकिन आइए जबान की हिफाजत जो कि बहुत अहम है जिसके तल्लु में पेश किए देता हूं सुन इबाजा की रिवायत बिन आमिर रजी फरमाते हैं रसूल से पूछा गया मन न जा रसूल कामयाबी किसमें हैं यानी कौन शख्स कामयाब है कौन से अमाल करेंगे तो हम कामयाब रहेंगे अगर हमसे यह सवाल किया जाए कि कामयाब कौन है तो हम क्या जवाब देंगे जिसके पास मालो दौलत ज्यादा है वो कामयाब है जिसके पास कोठी बंगला है वो कामयाब है जिसके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो कामयाब है जिसके पास सियासत है वो कामयाब है नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि इन तमाम चीजों के होने वाला कामयाब है हम तो इसको कामयाबी समझते हैं ना लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कामयाबी किसमें है तो नबी करीम वसल्लम ने फरमाया, लिसानक अपनी जबान की हिफाजत करो कामयाब हो जाओगे जबान को लगाम दो किसी को गालियां ना दो किसी को बुरा भला ना कहो किसी की चुगल खोरी ना करो किसी की गिबत ना करो किसी के पीठ पीछे बुराई बयान ना करो तुम कामयाब रहोगे अम सिख अलई का लिसानक अपनी जबान को लगाम दो आज हमारे माशरे के अंदर जबान को हमने बे लगाम छोड़ दिया है जिसकी वजह से पूरी बुराइयां पूरे खुराफात और हर तरह की बीमारियां हमारे अंदर पाई जाती हैं तो पहली नसीहत पहली बात नबी करीम ने फरमाया अगर कामयाबी चाहते हो का लिसानक अपनी ज़बान की हिफाजत करो और दूसरे वल यसा का बैतुक। अपने घर में बैठे रहा करो बाजारों में चौराहों पर मार्केटों में वहां और यहां घूमने से बेहतर है अपने घरों पर बैठे रहा करो और वैसे भी आजकल घर में हम अपना वक्त ज्यादा नहीं देते हैं घर हमको काटने को आता है हम बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अगर घर में रहता है तो वो कामयाब भी होता है क्यों आंखों के गुनाह से बच जाता है जबान के गुनाहों से बच जाता है कानों के गुनाहों से हाथ और पैर के दिल के गुनाहों से अपने जिस्म के हर अज के गुनाह से वह महफूज हो जाता है वल यब की आला हतियतिक और अपने गुनाहों पर रोया करो तो नबी सल्ला वसलम ने तीन चीजों को के बारे में फरमाया कि अगर आदमी कामयाबी चाहता है तो वो तीन चीजें करे जबान की हिफाजत करे घर में बैठे रहा करे और अपने गुनाहों पर रोया करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों की हुकूक की पामाली यह है कि एक आदमी किसी आदमी को गालियां देता है तो गाली देने से हमको परहेज करना है गाली देने से बचना है जैसा कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है दूसरी चीज इस हदीस के अंदर गिनवाई गई है वो ये है वह कदफा हाजा इसने नाहक किसी पर इल्जाम लगाया होगा किसी पर बहुतान तराशी की होगी तो इसका मतलब यह है कि किसी पर बहुतान तराशी करना किसी पर इल्जाम लगाना यह भी गुनाह का काम है नेकियों को बर्बाद करने वाले कामों में से एक काम है इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए वैसे आज लोग अपने आप को बुरा कहना और अपने बारे में बुरा सुनना पसंद नहीं करते इंसान की फितरत के अंदर दाखिल है कि वो अपने आप को न बुरा कहना पसंद करता है न अपने बारे में बुरा सुनना पसंद करता है लेकिन ये वो जरूर पसंद करता है कि सामने वाले की बुराई की जाए और सामने वाले को बुरा भला कहा जाए उस पर खुशी का इजहार करता है फला के अंदर यह बुराइयां हैं फला के अंदर ये बुराइयां है, हैं ये बात जान लेनी चाहिए कि इंसान कभी किसी को बुरा न कहे किसी पर इल्ज़ाम तराशी न करे लेकिन जो लोग इल्जाम तराशी करते हैं किसी पर जिनाकारी का बदकारी का इल्जाम लगाते हैं उसके बारे में कुरान करीम के अंदर कितनी बड़ी वईद आई है जरा आइए हम कुरान करीम के आयात पर गौर करते हैं सूरह नूर सूरह नंबर चौबीस आयत नंबर तेईस के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन अल्लादी नरमून अलमोहना तिल गा तिलो मोहसना तिलोना जो लोग पाक दामन भोली भाली मोमिन औरतों पर जिनाकारी का इल्जाम लगाते हैं तोहमत लगाते हैं अल्लाह तबारक ने फरमाया कि वो दुनिया और आखिरत में मलरून है लानत है उन लोगों पर जो किसी भोली भाली मोमिन औरत पर पाक सिफात वाली औरत पर इल्जाम लगाते हैं बदकारी का इल्जाम लगाते हैं जिनाकारी का इल्जाम लगाते हैं और हमारे माशरे के अंदर ऐसा होता है इसी के अंदर कोई बुराई नहीं होती लेकिन उसके पीछे लगते हैं और उसकी बुराइयां हो रही हैं लेकिन याद रखिए अगर आज हमने किसी पर इल्जाम लगाया तो कल हमारे ऊपर भी कोई इल्जाम लगा सकते हैं किसी मोमिन मर्द पर बदकारी का इल्जाम लगाना किसी मोमिना औरत पर बदकारी का इल्जाम लगाना ये अल्लाह तबारक रहमत से दूर होने के वजूहात में से एक वजह है अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया अगर किसी पर बदकारी का इल्जाम लगाया जाता है लोनू फिर दुनिया वल आखिरा दुनिया में भी उन पर लानत और आखिरत में भी उन पर लानत और आगे फरमाया वह आजाब उन अजीम इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह तआला ने ऐसे लोगों के लिए बड़ा भारी अजाब तैयार कर रखा है आमतौर पर कुछ लोगों को यह देखा जाता है कि जब किसी से आन...